नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ ममता। गुज्जू मम चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी और मेरी पूरी फैमिली की ओर से आपको और आपकी फैमिली को नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। ये मेरी चैनल का पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरी गलती को नज़रअंदाज करके मेरी चैनल को सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम ममता पंचाल है। मैं डिसा की रहने वाली भोली भाली लड़की और एक अहमदाबादी से मेरी शादी हुई है। जस्ट किडिंग यार। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विशाल है। मेरी फैमिली में मेरे सास ससुर, बड़ी सास और देवर देवरानी, मैं, विशाल, मेरे दो बेटे और मेरी देवरानी का भी एक बेटा है। इतनी सी मेरी प्यारी फैमिली है। चलो हमें बहुत बातों कर लीजिए, हमें वीडियो स्टार्ट करिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हर साल तो मम्मी जी अखंड ज्योत पूजा पाठ वगैरह सब मम्मी जी करते थे, हम भी करते थे, मगर मोस्टली मम्मी जी ही करते थे। इस बार मम्मी जी नहीं है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, सब मुझे ही देखना है पूजा पाठ का यहाँ पे। हाँ, मैं एक बात बता देना चाहूँगी कि इसी मंथ इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही मम्मी जी और पापा जी और देवर और देवरानी, मेरी देवरानी का नाम पूजा है, वो चारों दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। हाउस शिफ्टिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो हम वो बनाएंगे आपके लिए। विशाल वैसे हर साल नवरात्रि के 9 दिन का फास्ट रखते हैं। इस बार पूजा वगैरह मुझे करनी है तो मैंने भी 9 दिन का नवरात्रि का फास्ट मैं भी करूँगी, ऐसा मैंने तय किया है। और अखंड ज्योत का मुहूर्त वैसे दोपहर का है तो मैंने सारा काम निपटा के लंच भी बना दिया। मैं और विशाल पूजा के बाद लंच करेंगे, बा और चेतन भैया लंच कर लेंगे। मम्मी जी और पापा जी आज गांव गए हैं, इसीलिए आज वो इस पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे। और पूजा आज ऑफिस गई हुई है तो सिर्फ चेतन भैया ही वहाँ से आए हैं, हम मिलके पूजा पाठ करें, खूब सब मुहूर्त के हिसाब से सब अच्छे से हो जाए। मैं अखंड ज्योत माता जी के जवेरा जो बोलते हैं वो और कलश स्थापना, ये तीनों करने वाली हूँ। एक्चुअली हम गुजरातियों के लिए नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है, इसीलिए नहीं कि हम गुजरातियों को गरबा खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए नहीं, सिर्फ एक्चुअली माता जी के पूजा पाठ का भी बहुत बड़ा महत्व है नवरात्रियों में। फर्स्ट डे जैसे पूजा करते हैं वैसे ही 9 दिन करनी होती है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शाम को ही आरती करूँगी। चलो टाइम हो गया है पूजा का, मुझे रेडी भी होना है, चेंज भी करना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। पूजा शुरू करने से पहले मैंने मेन एंट्रेंस पर अशोका के पत्तों का तोरण लगाया, जो हम हर त्यौहार शादी वगैरह में करते ही है। ये पूजा का फर्स्ट स्टेप था मेरा। फिर मैं मंदिर के लिए भी नया तोरण लाई थी, वो लगाया। मुझे होम डेकोर की चीज़ें स्पेशली ट्रेडिशनल वाली बहुत ही पसंद हैं। मैंने पहले से पूजा की सारी सामग्री तैयार कर दी थी ताकि पूजा करते वक्त कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट मैंने कलश स्थापना करी। मेरा ये मानना है कि पूजा अच्छे मन से करो, बस, बाकी कोई बात या चीज़ें मायने नहीं रखती है। हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग होता है। जो भी करो, जितना भी करो, बस पूरी श्रद्धा से, दिल से करो। हर किसी को अखंड ज्योत वगैरह सब करना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ हम मानते हैं कि जिस घर में अखंड ज्योत होता है उस घर को लॉक नहीं करते हैं। हमारी कास्ट में बहुत सी फैमिली नवरात्रि में अपने गांव जाते हैं, बहुत से लोग पूरे 9 दिन के लिए जाते हैं और बहुत से लोग सिर्फ अष्टमी और नवमी के दिन ही जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन हमारे यहाँ माता जी को भोग लगाया जाता है। हमारे आठम अने नवमी
માતાજીની પડલી એટલે કે નિવેદ કરવાનું હોય છે. યે દો દિન બહોત હી મહત્વ કે હોતે હૈ નવરાત્રી કે હમારે લિયે. જિનકે ઘર મે ઉનકે બડોને જૈસે જહાં પે પૂજા કરી હો ઉનકે પીછે ઉનકે બચ્ચો કો વૈસે હી પૂજા કરની હોતી હૈ. હમારે ઘર મે પહેલે સે મેરે દાદાજી કે ટાઈમ સે યહાં પે અમદાવાદ મે પૂજા હોતી હૈ. ઇસીલિયે હમ પૂરી ફેમિલી મિલકે યહીં પૂજા કરતે હૈ. હમારી પૂરી ફેમિલી મે સિર્ફ મેરી બડી દીદી હૈ જો સુરત મે રહેતી હૈ. ઉનકે ઇનલોઝ અષ્ટમી ઓર નવમી કે દિન યે પૂજા કરને કે લિયે સ્પેશિયલી ગાંવ જાતે હૈ. તો સિર્ફ વોહી હૈ જો ગાંવ જાકે પૂજા કરતે હૈ. મેને પૂજા કર લી. અબ આરતી કી બારી. हम सब ने वन बाय वन आरती कर ली. गोलू को आरती करना बहुत ही अच्छा लगता है. जब भी चेतन भैया घर पे आते हैं गोलू उनकी गोदी से उतरता ही नहीं है. उनको बहुत अच्छा लगता है. आज पहला नवरात्र है इसीलिए सोसाइटी में भी माता जी की मांडवी की स्थापना करने जाना है शाम को. हमारी सोसाइटी में जो माता जी की मांडवी है वो मंजू आंटी के घर पे रहती है. पूरे साल वो माता जी की मांडवी की पूजा करते हैं. फिर फर्स्ट नवरात्रि के दिन पूरी सोसाइटी के सारे लोग मिलके माता जी की मांडवी की पूजा करते हैं उनके घर जाके. फिर वहाँ से ढोलक के साथ माता जी को कॉमन प्लॉट में लाया जाता है. जहाँ नवरात्रि की तैयारी की जाती है और उसके बाद जो अच्छा मुहूर्त होता है तब आरती होती है. आज फर्स्ट नवरात्रि के दिन हमारे चाचा जी के घर की आरती है. ये मेरे जेठ जेठानी हैं और ये चाचा जी यानी चाची और ये मेरे दादी सास हैं. उनका नाम रानी है. हम उनको बा कह के ही बुलाते हैं. और ये मेरा गोलू देखो अपनी ही मौज में है. हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती के लिए रेडी हो गई हूँ. आज बहुत स्पेशल डे है. आज सोसाइटी में हमारे घर की आरती है तो मैं ट्राई करूँगी. वो मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ तो मैं आपको पक्का दिखाऊँगी. वैसे घर की आरती के लिए हम रेडी हैं. मैंने सारी तैयारी भी कर दी है. आज माँ कृष्ण कंडा का दिन है तो उनको प्रसादी में मालपुए की प्रसादी होती है उनकी, तो वो मैंने घर पर बनाए हैं और ये बहुत ही यम्मी लगते हैं. मेरे फेवरेट है. चलो फिर मिलते हैं. घर की आरती के लिए मैंने सब रेडी कर दिया. बस विशाल रेडी होके आए. फिर हम आरती करेंगे. फिर डिनर करके हम क्या गोलू फिर डिनर करके मैं रेडी हो जाऊंगी. सोसाइटी में आज हमारी आरती है. देखो ये गोलू, ये मेरा छोटा छोटा बदमाश बाबू. क्या चाहिए इसको? सारी चीजें लेनी है बस और कुछ नहीं. क्या लेना है?
विशाल का वीडियो मैंने चुपके से लिया था, उन्होंने मना किया था। तीन दिन हो भी गए नवरात्रि के, पता भी नहीं चला। आज नवरात्रि का चौथा नवरात्रा है माता जी का। किस दिन किस माता जी का दिन होता है और उनको क्या भोग लगता है, उस हिसाब से ही मैंने सारे दिन माता जी को वही भोग घर पे बना के उसकी ही प्रसादी चढ़ाई थी। दो दिन का वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, पर आज विशाल को बोला है मैंने जल्दी घर आने को, तो आज मैं शायद वीडियो बनाऊंगी। मेरी देरानी पूजा और चेतन भैया भी आज आएंगे, बिकॉज़ सोसाइटी में आज हमारी आरती है और आज फिर से पापा जी और मम्मी जी गांव गए हुए हैं। और हम आरती के लिए रेडी हो गए हैं। हमने गोलू और नक्श को कुर्ता पहनाया था, ब्लू कुर्ते वाला नक्श है मेरी देरानी का बेटा, वो गोलू से सिर्फ एक वीक ही छोटा है। गोलू और नक्श जब भी मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और प्यार बरसाते हैं एक दूसरे पर। ये रेड कुर्ते वाले मेरे देवर है, सबने फरमाइश करी थी कि आप ढोल बजाओ। ये माता जी की विदाई की आरती हो रही है। आज नवमी है, लास्ट नवरात्रि। ये मम्मी जी गोलू के साथ रात के शायद 1-2 बजे है, बट हमारे गोलू को अभी भी खेलना ही है। आरती के बाद माता जी की मांडवी को वापस मंजू आंटी के घर रखेंगे सब मिलके, और वहाँ फिर से पूजा करेंगे कि पूरा साल सबका बहुत अच्छे से जाए और नया साल जल्दी से आए। हम जो नवमी की पूजा करते हैं वो हम फर्स्ट नवरात्रि से 9 दिन काउंट करके ही करते हैं, इसीलिए आज सब दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आज नवमी करेंगे। आज हम नैवेद्य करेंगे नवमी का। आज हमारी पूरी फैमिली ने फास्ट रखा है और जो शाम की पूजा में नैवेद्य का प्रसाद बनेगा वो प्रसाद पूजा के बाद खाएंगे और उसी प्रसाद से हम अपना उपवास खोलेंगे। ये मम्मी जी पूरियाँ बना रही है। मम्मी जी फर्स्ट पूरी बनाएंगे। ये पूरी का जो आटा होता है उसमें नमक नहीं होता है और ये घी में डीप फ्राई होती है। इसी आटे से दिए भी बनाए जाते हैं और एक दो चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है। ये जो सारा प्रसाद बनता है वो पहले से हमारे बड़ों ने जो मेज़र
हमें बताया है उतना ही बनाना होता है। ये मम्मी जी कंसार बना रहे हैं। और ये सुखड़ी बन रही है हमारी मेन प्रसादी। कोई भी अच्छा दिन हो, शादी हो, हमारे घर में सुखड़ी बनती ही बनती है। कितनी भी बाज़ार से मिठाइयाँ लाए, बट सुखड़ी तो घर पे ही बनती ही है। इस बार निवेद करने पापा जी ने विशाल को बिठाया है। पापा जी पास में बैठे हैं, वो विशाल को जैसे बता रहे हैं वैसे विशाल पूजा कर रहे हैं। उसके बाद विशाल ये पूजा करना डुकू को सिखाएंगे, ऐसे ही चलते जाएगा। जितनी भी प्रसादी बनी है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूजा में रखनी होती है। ये जो बड़ी पूरी बनाई थी उसके ऊपर सारी प्रसादी रखनी है। पूजा के बाद सब मिलके माता जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद लास्ट में हम लेडीज बैठे थे, हम तीन देरानी जेठानी आज बहुत टाइम के बाद साथ मिलके खाना खा रहे थे। और ये मम्मी जी और काकी जी भी गॉसिप कर रहे हैं। गुजराती के घर में दशहरे के दिन मॉर्निंग के नाश्ते में फाफड़ा और जलेबी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने मॉर्निंग का नाश्ता गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़े के साथ किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।